नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और भोपाल से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, एनआईए की पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ। दरअसल भोपाल में छपता था बड़े पैमाने पर देश विरोधी लिटरेचर, मदरसों में यह बांटा जाता था, कट्टरपंथी इसे बांटते थे और लिटरेचर में मदरसों में जिहादी किताबें और देश विरोधी साहित्य बांटे जाते थे, साहित्य से युवाओं का ब्रेन वॉश किया जाता था। दरअसल जेएमबी के संदिग्ध आतंकियों के प्लान का खुलासा यहां हुआ है, किताबों से ये देश के खिलाफ साजिश रच रहे थे। भोपाल के करौंद इलाके में शहवान खान रहता था और संदिग्ध आतंकियों के घर से आपत्तिजनक लिटरेचर मिला है। एनआईए और एटीएस की कार्रवाई में गिरफ्तार हुए हैं संदिग्ध। जेएमबी के संदिग्ध आतंकियों के इस प्लान का खुलासा एनआईए की पूछताछ में हुआ। दरअसल देश विरोधी जो लिटरेचर भोपाल में ही छापा जाता था उसके बारे में डिटेल मिली है और इन लिटरेचर्स को तैयार किया जाता था यहीं पर, लेकिन ये क्या यहीं लिखे जाते थे, इस लिटरेचर को लिखने वाले कहाँ हैं और कौन हैं इसको पढ़ने वाले और कहाँ इन्हें भेजा जाता था। वासु चौरे हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे बात करेंगे। वासु, भोपाल में ही देश के दिल में बैठकर ये देश को खोखला करने की साजिश रच रहे थे, देश विरोधी लिटरेचर्स बरामद हुए, क्या जानकारी मिल पा रही है? निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरीके से बीते दिनों राजधानी भोपाल समेत देश के और मध्य प्रदेश के भी कई इलाकों में एनआईए के द्वारा और एटीएस के द्वारा जिस तरीके से छापेमार कार्रवाई की गई थी और उसमें कई ऐसे संगठन जो कि भारत में बैन है और कभी ना कभी किसी ऐसी गतिविधियों में संलिप्त जिनके लोग रहे हैं वो संदिग्ध गिरफ्तार हुए थे और उनके से लगातार जो पूछताछ का क्रम है वो जारी था और उनकी निशानदेही पर अलग अलग जगहों पर एटीएस की टीम्स ने और जो अलग अलग जाँच एजेंसी से उनकी टीम ने पहुँचकर वहां पे धरपकड़ करने और छापेमार कार्रवाई करने का भी काम किया था और जो सामग्री इस दौरान बरामद की गई है वो वाकई में काफी आपत्तिजनक है और जिसके कई मायने जो है वो निकाले जा सकते हैं। जिस तरह से राजधानी भोपाल में जो साहित्य निकलकर सामने आया है जिसमें कहीं ना कहीं ये अंदेशा है कि इसमें लोगों के अंदर हिंसा भड़काने की बात है, विवादों को जन्म देने की बात है और कहीं ना कहीं जो एक बड़ी कामयाबी इसे कहा जा सकता है जो एनआईए की टीम को और एटीएस की टीम को मिली और बहरहाल इन साहित्य की और ज्यादा जांच पड़ताल की जाएगी जिससे इस पूरे मामले में और परत दर परत खुल सके और इनके सिंडिकेट में कितने अन्य लोग भी शामिल थे उन तक भी पहुंचा जा सके और आने वाले समय में उनकी भी तेजी से धरपकड़ हो। बहरहाल जो एक्सपर्टीज हैं वो इनकी पूरी जो साहित्य है और जो भी चीजें बरामद की गई हैं उसकी जांच में जुटे हुए हैं और आने वाले समय में कुछ और खुलासे इस पूरे मामले में हो सकते हैं। जी, उर्दू फारसी लिपि में ये सभी साहित्य लिखे गए थे, देश विरोधी ये साहित्य मदरसों में बांटे जा रहे थे, छोटे बच्चों के मन पर उनका ब्रेन वॉश करके उन्हें देश के खिलाफ तैयार करने का इनका जो पूरा प्लान था। अभी इस पूरे मामले को लेकर क्या और भी डिटेल्स अपने पास हैं कि ये इस लिटरेचर को लिखने वाले कौन हैं, इसका फर्मा कहाँ से तैयार होता था और यहाँ पर क्या सिर्फ ये मदरसों तक सीमित था या फिर मध्य प्रदेश के बाहर भी इसे भेजे जाने की तैयारी थी? बिल्कुल, देखिए जो जेएमबी संगठन है या एचयूटी संगठन है या जो भी इस तरीके के संगठन हैं निश्चित तौर पर इनके जो आका है वो पूरे भारत देश में फैले हुए हैं और भारत के अलावा भी कई अन्य देशों से भी इस तरीके के संगठनों को चलाने का काम किया जा रहा है, ऑपरेट करने का काम जो है किया जा रहा है। तो ये भी कहा जा सकता है कि जो पूरा साहित्य निकल कर सामने आया है जिसमें बच्चों को ब्रेन वॉश करने की बात निकल के सामने आई है या फिर किसी भी व्यक्ति को किस तरीके से एक देश विरोधी चीज़ों को परोसा जाए उसको लेकर जो उसमें तमाम सारी बातें निकल कर सामने आई हैं तो इसको किसने बनाया है, कैसे बनाया है, कहाँ इसकी प्रिंटिंग हुई है, इन तमाम मामलों को लेकर जो तफ्तीश है वो जारी है और निश्चित तौर पे जो लोग पकड़ाए हैं उनसे पूछताछ तो चल ही रही है लेकिन जो साहित्य हाथ लगा है जिसमें देश विरोधी गतिविधियों की ओर कहीं ना कहीं इशारा हो रहा है उसको भी एक्सपर्ट्स के द्वारा उसको चेक किया जा रहा है, उसको एनालाइज उसका जो है वो किया जा रहा है और निश्चित तौर पर कोई भी क्लू इसमें मिलेगा और वहाँ पर जब एनआईए की टीम्स और एटीएस की टीम्स पहुँचेंगी तो और भी ज़्यादा इस पूरे मामले में बड़े जी। वासु, आपकी वॉइस ठीक तरीके से नहीं मिल पा रही है, संभवतः नेटवर्क की किसी समस्या की वजह से। हालांकि जो ये अब तक आपने जो जानकारी दी उससे साफ जाहिर है कि ये जो पूरा ये नेक्सस चलाया जा रहा था
बच्चों को उनके दिमाग में देश विरोधी बातें डालकर उन्हें देश के खिलाफ तैयार करना, और ये एक सबसे किसी भी दुश्मन के लिए आसान तरीका है किसी भी देश को, किसी भी राज्य को खराब करने का, बर्बाद करने का, कि उसके युवा के मन में आप जहर भर दीजिए उनके अपने ही घर के खिलाफ। बहुत शुक्रिया वासु आपका इस जानकारी के लिए। और भोपाल से बड़ी खबर, जबलपुर से गिरफ्तार आईएसआईएस मॉड्यूल से जुड़े 3 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। सैयद ममूर अली, मोहम्मद आदिल और मोहम्मद शाहिद को कोर्ट में पेश किया गया। भोपाल एनआईए की विशेष कोर्ट में 3 आरोपियों की पेशी हुई और 3 आरोपियों की 10 जून तक पुलिस रिमांड मिली है। आरोपियों पर आईएसआईएस का प्रचार करने का आरोप है, आतंकी साजिश को अंजाम देने के लिए हथियार जुटाने का इन पर आरोप है। आईएसआईएस से जुड़े आतंकी मॉड्यूल पर ये आरोपी काम करते थे और आईएसआईएस का प्रचार प्रसार करने का इन पर आरोप है, साजिश को अंजाम देने के लिए हथियार जुटाने का इन पर आरोप है, जिनसे फिलहाल पूछताछ की जा रही है। आईएसआईएस के मॉड्यूल से जुड़े 3 आरोपियों की कोर्ट में पेशी की गई, जबलपुर से इनकी गिरफ्तारी की गई थी और एनआईए अब इनका हिसाब किताब करेगी। दरअसल भोपाल एनआईए की विशेष टीम ने कोर्ट में पेशी की और 10 जून तक इनको रिमांड मिल गई है। अब पूछताछ होगी और इस दौरान साजिश को अंजाम देने के लिए जो हथियार जुटाए जाने का इन पर आरोप है, पूछताछ में इस बात का खुलासा हो पाएगा कि क्या ये जो हथियार हैं ये इन्हीं के हैं, क्या ये इन हथियारों से हिंसा करने वाले थे और कहां ये ऐसे जखीरे हथियारों के रखे हुए हैं। इन सभी बातों को लेकर लगातार डिटेल्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बालासोर रेल हादसे ने देश को दहला दिया। इस हादसे में 260 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 900 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। 3 ट्रेन की टक्कर से हुए इस बड़े हादसे के बाद राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। प्रधानमंत्री मोदी खुद हालात पर नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने हादसे की समीक्षा के लिए हाई लेवल बैठक की और इस हादसे के बाद खुद घटना स्थल पर पहुंचे और जायजा लिया। प्रधानमंत्री ने मौके पर मौजूद अधिकारियों से घटना की जानकारी ली। पीएम मोदी हादसे में घायल लोगों से मिलने अस्पताल भी पहुंचे और प्रधानमंत्री ने हादसे पर दुख जताते हुए कहा कि दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। पांच तस्वीरें इस हादसे के बाद की, जहां खुद प्रधानमंत्री घटनास्थल पर पहुंचे, एक टेम्पररी हेलीपैड वहां बनाया गया था और एक टेम्पररी शेड वहां पर, जहां भीषण गर्मी और बिखरी हुई बोगीज, वहां एक बेहद भयावह मंजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुर्घटनास्थल पर पहुंचे, हालात का जायजा लिया और अधिकारियों को निर्देश दिए। कुछ देर वहां पर प्रधानमंत्री थे, अधिकारियों से बातचीत की और उन्हें निर्देशित किया और फिर घायलों से मिलने के लिए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अस्पताल गए। असह्य वेदना मैं अनुभव कर रहा हूं और अनेक राज्यों के नागरिक इस यात्रा में कुछ न कुछ उन्होंने गंवाया है। जिन लोगों ने अपना जीवन खोया है, ये बहुत बड़ा दर्दनाक और वेदना से भी परे मन को विचलित करने वाला, सरकार उनके उत्तम स्वास्थ्य के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। जो परिजन हमने खोए हैं वो तो वापस नहीं ले पाएंगे, लेकिन सरकार उनके दुख में, उनके परिजनों के दुख में उनके साथ है और जो भी दोषी पाया जाएगा उसको सख्त से सख्त सजा हो उसे बख्शा नहीं जाएगा। और इस हादसे में 260 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई,
जबकि करीब 900 लोग इसमें घायल है। आखिर कैसे हुआ यह इतना बड़ा हादसा, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। दिन शुक्रवार, समय शाम के करीब 7 बजे, ओडिशा के बालासोर जिले में बहनगल रेलवे स्टेशन पर 3 ट्रेनें आपस में टकरा गई। हादसा इतना बड़ा था कि पूरा देश दहल गया। इस भीषण ट्रेन हादसे में 280 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब 1000 यात्री घायल हैं। हादसे की खबर मिलते ही रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। रेलवे, एनडीआरएफ के साथ ही एयरफोर्स और सेना ने भी मोर्चा संभाला। भुवनेश्वर और कोलकाता से रेस्क्यू टीमें भेजी गई। सेना की पूर्वी कमान से चिकित्सा और इंजीनियरिंग टीमों को एम्बुलेंस और मेडिकल एड के साथ तैनात किया गया। आम लोग भी मदद के लिए आगे आए, कई लोगों ने ब्लड डोनेट किया। राहत और बचाव कार्य के बीच रेल हादसे की ऐसी दहला देने वाली तस्वीरें देखने को मिली जिन्हें देखकर हर कोई सिहर उठा। इतना बड़ा रेल हादसा आखिर हुआ कैसे? बालासोर जिले के बहनगा रेलवे स्टेशन पर भीषण हादसा। चेन्नई जा रही कोरोमंडल एक्सप्रेस के डिब्बे पटरी से उतरे। पास की पटरी पर जा गिरे कोरोमंडल एक्सप्रेस के डिब्बे। यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस इन डिब्बों से जा टकराई। हादसे के बाद पटरी से उतरी दोनों ट्रेनों की कई बोगियां। ट्रेन की बोगियां दूसरे ट्रैक पर खड़ी मालगाड़ी से जा भिड़ी। कोरोमंडल एक्सप्रेस का इंजन और बोगियां मालगाड़ी के ऊपर चढ़ गई। भी पेशेंट यहाँ पे बालेश्वर कटक पहुँचे हैं, उनके कम्प्लीट रखरखाव, उनके इलाज, उसकी व्यवस्था ढंग से हो, उनके परिवारों को कॉन्टैक्ट करने की पूरी कोशिश कर रही है और कंपनसेशन की जो राशि है वो भी देना आरंभ कर दिया है। पूरी कोशिश है, आप सबका सहयोग भी लगेगा। बाय दिस एक्सट्रीमली ट्रेजिक ट्रेन एक्सीडेंट I have to thank the local people, the local teams and others who have worked overnight to save people from the wreckage. हादसे पर राष्ट्रपति ने शोक जताया है। पीएम मोदी ने हालात की समीक्षा के लिए हाई लेवल मीटिंग की। रेल मंत्री अश्विन वैष्णव, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान दुर्घटना स्थल पहुंचे। इन सब के बीच मुश्किल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एनडीआरएफ के डीजी ने कहा कि 3 ट्रेनें आपस में टकराई हैं, कई बोगियां आपस में इस तरह भिड़ गई हैं कि उनमें फंसे यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकालना बड़ी चुनौती है। इतना बड़ा हादसा, शायद जैसा मैं देख रहा हूँ, तीसरा सबसे बड़ा हादसा हमारे इतिहास में है। इतना लॉस ऑफ लाइफ है और 3 ट्रेन का इस तरह कोलाइड होना एक यूनिक इंसिडेंट की तरह देखा जा सकता है। तो जिस फोर्स से ट्रेन आपस में कोलाइड की हैं उससे काफी कोचेस आपस में बहुत मैंगल कंडीशन में बहुत आपस में क्रश हो गई हैं। हादसे के बाद मुआवजे का ऐलान भी किया गया है। मृतक के परिजनों को 10 लाख रुपए, गंभीर घायलों को 2 लाख रुपए के साथ ही जिन्हें हल्की चोटें आई हैं उन्हें 50,000 रुपए मुआवजा देने की घोषणा की गई है। रेल मंत्री ने हादसे की जांच के लिए एक हाई लेवल कमेटी बनाए जाने की बात कही है। बालासोर से पहले भी कई बड़े रेल हादसे हुए हैं। एक नजर उन भीषण रेल हादसों पर। 6 जून 1981, पुल पार करते समय बागमती नदी में ट्रेन गिरी। हादसे में 750 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। 20 अगस्त 1995, फिरोजाबाद के पास पुरुषोत्तम एक्सप्रेस कालिंदी एक्सप्रेस से टकराई। हादसे में 305 लोगों की मौत हुई थी। 26 नवंबर 1998, जम्बू तभी सियालदा एक्सप्रेस पंजाब के खन्ना में पटरी से उतरे डब्बों से टकराई। हादसे में 212 लोगों की मौत हुई थी। 2 अगस्त 1999, ब्रह्मपुत्र मेल कटिहार डिवीजन के गैसल स्टेशन पर खड़ी अवध असम एक्सप्रेस से टकरा गई। हादसे में 285 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। 20 नवंबर 2016, इंदौर राजेंद्र नगर एक्सप्रेस के 14 डिब्बे पुंखरिया में पटरी से उतरे। हादसे में 152 लोगों की जाने गई थी। 9 सितंबर 2002,
हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस रफीगंज में धावा नदी पर पुल टूटने के कारण पटरी से उतर गई। हादसे में 140 से अधिक लोगों की मौत हुई थी। 23 दिसंबर 1964, पवन धनुषकोटी पैसेंजर ट्रेन रामेश्वरम चक्रवात में बह गई। हादसे में 120 से ज्यादा यात्रियों की मौत हुई थी। 28 मई 2010, जनेश्वरी एक्सप्रेस ट्रेन पटरी से उतरकर मालगाड़ी से टकराई। हादसे में 148 यात्रियों की मौत हुई थी। हादसे के बाद राहत और बचाव का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। लोगों की जान बचाना अभी प्राथमिकता है। इस हादसे के बाद रेलवे की सुरक्षा से जुड़े सवाल भी खड़े हो रहे हैं। विपक्ष भी सवाल पूछ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और हमारे सहयोगी दुष्मंता बेहरा हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए। दुष्मंता, अभी क्या स्थिति है, कितना समय लगेगा, चूंकि अब धीरे धीरे अंधेरा हो जाएगा तो चुनौतियां और ज्यादा बढ़ जाएंगी? ये जो कहा जाता था कि अंधेरा बढ़ने के बाद आगे जितने भी अंधेरा होगा थोड़ा सिचुएशन क्रिटिकल होगा, लेकिन रेस्क्यू टीम अभी पहुंच चुकी है। अभी देखिए किस तरह से जो पटरी से मेरे साथ सहयोगी आशीष दास है, मैं उनको कहूंगा कि हम थोड़ा क्लोज जाएंगे। देखिए किस तरह से एक बोगी को पटरी से निकाला जा रहा है। मैं विजुअल वो दिखाना चाहता हूँ। यही वो करमंडल एक्सप्रेस है जो ओवरलैप कर गया था। यहाँ पर अभी हाई रिजोल्यूशन वाला जो क्रेन लाया गया है, उसी क्रेन की मदद से यहाँ से बोगी को रेस्क्यू किया जा रहा है, इसको साइड किया जा रहा है। और जो साइड वाला पटरी है वहाँ पर कैसे आज रात तक अगर ठीक ठाक रेस्क्यू हो गया और पटरी को खाली कर दिया गया, तो ट्रेन चालू करने के लिए कोशिश कर रहे हैं रेलवे। हम वो दृश्य दिखाना चाहते हैं किस तरह अभी है, अभी का सिचुएशन है। देखिए पूरा टीम यहाँ पर मौजूद है। आप देख रहे हैं किस तरह से हाई रिजोल्यूशन वाला जो होता है मशीन, जो क्रेन मशीन, उसी की मदद से ये बोगी को, जो एसी बोगी है, इसको यहाँ से साइड किया जा रहा है। अभी देखिए यहाँ का जो मतलब जैसे कि जितने कर्मचारी हैं सब यहाँ पर पहुँच चुके हैं, और हम दिखाना चाहते हैं किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। अभी विजुअल दिखाना चाहते हैं किस तरह से ये हो रहा है। देखिए पूरी तरह जो बोगी है जो पटरी के ऊपर था, उसको धीरे 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 करके निकाला जा रहा है और पटरी से साइड किया जा रहा है। अभी हम एक्सक्लूसिवली वो विजुअल दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से यहाँ का जो रेलवे डिपार्टमेंट, ओड्राफ और रेस्क्यू टीम, खोर्धा ईस्ट कोस्ट रेलवे के रेस्क्यू टीम अभी पहुँच चुका है, और ये बड़ा सा क्रेन की मदद से, आशीष इधर आइए, क्रेन की मदद से इसको साइड किया जा रहा है। कैसे भी करके इसको इस बोगी को साइड किया जाएगा। अगर इसको साइड नहीं किया जाएगा तब ये वाला जो पटरी है इसमें ट्रेन चालू नहीं किया जाता है। हम दूर तक जहां तक हमारा लेंस जाएगा, वो विजुअल हम दिखाना चाहता है किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चल रहा है। देखिए एक एक करके पूरा प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, ऐसे करके ईस्ट कोस्ट रेलवे और जो ओड्राफ एनडीआरएफ टीम है वो मिलके ये रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। और एक बार मैं दिखाना चाहता हूँ किस तरह से वो विजुअल दिखाना चाहता हूँ। जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं वाकई साफ जाहिर है कि यह भी बहुत चुनौतीपूर्ण आगे रहेगा। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं।